सीएम शिवराज के गृह जिले में एनएसयूआई का प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प, थाना टीआई को आई चोट। एमपी न्यूज, शासकीय कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में एनएसयूआई का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शासकीय कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। इस झड़प में मंडी थाना टीआई को हाथ में चोटें आई। जिले के आष्टा में शनिवार को शासकीय कॉलेज के प्रिंसिपल प्रवीण प्रजापति को हटाने की मांग को लेकर से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। काफी देर तक एनएसयूआई का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में चलता रहा। बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की प्रदर्शन के दौरान हल्की झड़प भी हुई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में मंडी थाना टीआई जगदीश सिंह सिद्धू को मामूली चोटें भी आई है। पुलिस से हुई हल्की झड़प, तोड़े बैरिकेड्स। बताया गया है कि प्रदर्शन में एनएसयूआई के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई है। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन को लेकर कलेक्ट्रेट में बैरिकेड्स लगा दिए थे और भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया था। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 दिन का समय दिया, जिसके बाद हंगामा समाप्त हो सका। आष्टा कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आष्टा के शासकीय पीजी कॉलेज के पर पूर्व में छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और इस मामले की पुलिस में एफआईआर भी दर्ज है। इसके बाद भी उनको प्रिंसिपल बना दिया गया है। हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।